हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्राइटेस्ट डे का एक और एक्साइटिंग पार्ट। और अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पर जाके आप इससे पहले के पार्ट्स देख सकते हैं, और साथ ही साथ ब्लैकेस्ट नाइट के भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कैलिफोर्निया के हैंडी पार्क में, जहाँ पर एक एंटिटी दो लोगों को यानी कि एक कपल को देखकर उनकी लाइफ को स्मेल कर रही थी और उन्हें खाने की अपनी इच्छा जता रही थी अपने साथ एक और एंटिटी को लिए। और उसी पर्सनैलिटी के साथ वो बात कर रही थी कि जो साइकोलॉजिकल और फिजिकल एक्सपीरियंस उसने अभी तक इनकाउंटर किए हैं वो मेरे होंगे और मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन वो एंटिटी कह रही थी कि तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है करने के लिए। जॉन अब वापस आ चुका है और क्या तुम्हारा ये सबमर्ज करना उससे मिलने से ज्यादा जरूरी है? तब वो क्रिएचर नीचे कूदते हुए कहता है, लेकिन मैं अभी एम्प्टी फील कर रहा हूँ और लोनली भी, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरा माइंड अभी सेट नहीं हो पाएगा। और वो उन दोनों को मारकर अपनी भूख मिटा लेता है। और वहां से जाते हुए वो एंटिटी कह रही थी कि ये सबमर्जन तुम्हारे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और उसके अटेंशन और अफेक्शन का शिकार बने। तब वो कहता है, नहीं होगा। जिस पर वो एंटिटी कहती है, लेकिन तुम इतने श्योर कैसे हो? तब वो क्रिएचर कहता है, क्योंकि मैंने अभी भी उसे विजिट किया है। आगे दूसरी तरफ डेनवर कोलोराडो में, जहाँ पर प्रोफेसर एडल के लेबोरेटरी के बचे हुए पार्ट्स थे, और अंदर जाते हुए मार्शियन मैनहंटर खुद से ही बात कर रहा था, मुझे लगता है यहाँ पर मुझे कुछ एविडेंस मिल जाएंगे मेरे सस्पिशंस को कंफर्म करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं इस स्क्रीन को हाथ लगाता हूँ, वो और यहाँ पर इस लैब में जो भी मौजूद है वो सब मेरे कॉन्टेक्ट में आते ही मर जाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो शुरू होता है डेड जोन। एक बार जो 12 हीरोज और विलन्स रेजरेक्ट हुए थे उस व्हाइट लाइट के जरिए, जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आई थी, जिसकी वजह अभी तक पता नहीं चली है, और उनका रिबर्थ एक मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि ये है ब्राइटेस्ट डे। यहाँ दूसरी तरफ जॉर्ज टाउन में हॉक कहता है, तुमने उसे तोड़ दिया। जिस पर बॉस्टन कहता है, नहीं मैंने उसे नहीं तोड़ा। जिस पर हॉक कहता है, ये चमक नहीं रही, इसका मतलब यही है कि तुमने उसे तोड़ दिया। तब वो चिल्लाते हुए कहता है, अपना मुंह बंद रखो एक सेकंड के लिए, ताकि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ ग्रीन लैंटर्न की तरह। जिस पर हॉक कहता है, तुम ग्रीन लैंटर्न नहीं हो, समझे बड़ी। जिस पर डव उसे कहती है, बॉस्टन की रिंग उसे डिफरेंट भले ही है, और विलिंग तुम्हें इस रिंग पर फुल कंट्रोल नहीं दे पाएगी। और वो आगे कहती है, तुमने कहा था कि ये तुम्हें टेलीपोर्ट करती है वर्ल्ड्स में। जिस पर वो कहता है, वर्ल्ड्स नहीं यूनिवर्सेस। और उसने मुझे एक टूर भी दिखाई क्वाड की, और मैंने कुछ क्वालिटी फेस टाइम स्पेंड किया एंटी मॉनिटर के साथ, और इसी के साथ मुझे ये पता चला कि मैं जिंदा हूँ और आगे रहना भी चाहता हूँ। आगे वो कहती है कि तुम्हें इस लाइफ को जीना चाहिए, तुम्हें वो एंजॉय करना चाहिए जब हम जीते हैं, जब हम सांस लेते हैं। तब वो कहता है, लेकिन उससे काफी भी समय बीत चुका है, मुझे याद भी नहीं कि मैंने ऐसा कब किया था, मैं ऐसा कब करता था ये भी याद नहीं। आगे डव उससे कुछ पूछती है, तभी रिंग कहती है, उसे चीज़बर्गर्स पसंद है। इस पर हॉक कहता है, क्या चीज़बर्गर्स? इसका कहने का मतलब क्या है? और तभी वहां से कोई राइज होता है, और तब हम देखते हैं होली ग्रेंजर को, जो उस पर अटैक करते हुए कहती है, तुमने मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, और मुझे वो रिंग दो लैंटर्न, मुझे वो रिंग दो। और तभी बॉस्टन ब्रांड कहता है, मेरे ऊपर से हटो। तभी हॉक का भाई यानी कि डव अपना फॉर्म लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और डव के साथ ही गायब हो जाता है। तब सभी थोड़ी देर के लिए सदमे में थे, जहाँ पर डव कहती है, होली की ग्रेव डिस्टर्ब नहीं हुई, इसका मतलब वो जिंदा नहीं थी। तब बॉस्टन कहता है, हाँ सही है, क्योंकि वो राइज हुई ही नहीं थी, मुझे लगता है कि ये, तब तक रिंग कहती है, ये एक वार्निंग है। तब गुस्से में हॉक कहता है, वार्निंग किस बारे में? क्या तुम डेड्स को फिर से राइज करने वाली हो, वैसे ही जैसे तुमने मुझे और डेडमैन को राइज किया था? बताओ तो फिर मेरा भाई और डव की सिस्टर वापस क्यों नहीं आ रहे, कुछ बताओ। तभी रिंग कहती है, चीज बर्गर खाओ। तब सभी लोग चौंक जाते हैं, और तभी बॉस्टन के पेट में गुड़गुड़ाहट होने लगती है। तब वो कहता है, आखिर हो क्या रहा है? तब हॉक कहता है, जीनियस तुम हंग्री हो। जिस पर वो कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जब से मैं जिंदा हुआ हूँ मैंने कुछ नहीं खाया है। आगे पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में जेसन के साथ एक गर्ल फ्लर्ट कर रही थी, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि वो उसमें इंटरेस्टेड थी। वो कहती है, जेसन मैं हूँ केली, केमिस्ट्री क्लब से, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठी थी लास्ट वीक, और मैं कप केक्स भी लेकर आई थी, लेकिन तुम्हें नहीं चाहिए थे, इसीलिए मैंने रोल्स लाए इस टाइम, तो क्या हम स्टडी कर सकते हैं? जिस पर जेसन कहता है, क्या हमारे टेस्ट नजदीक है? जिस पर वो कहते हैं, नहीं इतने भी नजदीक नहीं है। तो कहता है, थैंक्स मैं अकेले ही स्टडी करता हूँ। इस पर वो कहती है, अगर तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो मैं फेसबुक पर हूँ। इस पर वो कहता है, नहीं थैंक्स
जेसन आगे बढ़ी रहा था कि तभी उसे अपने माइंड में एक आवाज सुनाई देती है, इस पर वो कहता है क्या। तब वो आवाज कहती है बबल गम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, और उसके पास ही खड़ी क्रेन बबल गम में कन्वर्ट हो जाती है और आसपास खड़े लोग ये देखकर इमरजेंसी अलार्म बजा देते हैं। तब जेसन कहता है कि यहाँ पर मदद की जरूरत है मुझे और सभी को। तभी वही आवाज रॉनी को जगाती है और जेसन और रॉनी को मिलाकर फायर स्टॉर्म बनाती है। तब जेसन कहता है कि मेरा शरीर इतना दर्द क्यों कर रहा है। तब रॉनी कहता है ये मेरी वजह से है। इस पर जेसन कहता है क्या तुम अभी हैंगओवर में हो। तब वो कहता है नहीं मैं अभी भी नशे में हूँ, और तुमने इतनी जल्दी ट्यूजडे को क्यों उठाया। इस पर वो कहता है जल्दी ये दोपहर है और आज वेंसडे है। तब तक वो आदमी नीचे गिरने लगा था। तब वो अपनी बहस रोक कर उस आदमी को बचाने के लिए आगे बढ़ते है, जिस पर जेसन उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्रेन अचानक बबल गम में कैसे कन्वर्ट हो गई और आदमी नीचे गिरने लगा। तब वो कहता है कि राइट की तरफ उड़ो। तब रॉनी कहता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं 15 साल से उड़ रहा हूँ। लेकिन फिर भी उसके हाथ से वो आदमी छूट जाता है और नीचे पहुंचते वक्त रॉनी कहता है मेरी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है तो मुझे एक आइसक्रीम का जॉइंट बॉल बनाने दो उसके नीचे। आइसक्रीम का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, जिस पर वो कहता है इसके बजाय एयरबैग कैसे रहेगी, और वो एयरबैग तैयार करके उस आदमी को उस पर लैंड कराते है। और उसका हाल पूछने के लिए वो दोनों आगे बढ़ते ही है कि तभी रॉनी उस पर उल्टी कर देता है और आगे बढ़ने लगता है कि तभी जेसन उससे कहता है क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है कि उससे माफी मांग लो। तब अपने हैंगओवर में वो आगे बढ़ी रहा था कि वो कहता है रॉनी तुम जा कहाँ पर रहे हो। तब वो कहता है सब लोग जानते हैं कि मैं कभी स्ट्रेट नहीं उड़ सकता। इस पर वो आवाज कहती है हाँ ये तो पता है, और ये भी पता है कि तुम पथेटिक होते जा रहे हो, ये छुपाने की जरूरत नहीं है, और तुम ये भी जान लो कि ये तुम्हें कहाँ तक ले आई है। तब वो तीसरी आवाज कहती है क्या तुम वही यंगेस्ट ड्यूड हो जस्टिस लीग के, जिसे खुद जस्टिस लीग ने मेंबरशिप ऑफर की थी। जिस पर वो कहता है मुझे पता है मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, इसे हमेशा सब लोग सिखाते हैं कि एक गुड गाय बनो, जो मैंने सिखाया वो करो। जिस पर वो आवाज कहती है तो रॉनी ये बताओ कि रॉनी रेमंड के अलावा उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या देखा बजाय एक बच्चे के, क्या उन्होंने तुम्हें ये देखा कि तुम किसी भी टफ डील को डील नहीं कर सकते। जिस पर वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सोचता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया, कहना के साथ मैंने क्या किया। तब वो कहता है क्या तुमने क्या किया उसके साथ। आगे जेसन उससे पूछता है रॉनी तुम्हें याद है तुम्हारे अलावा किसी को भी कुछ भी याद नहीं, उन्होंने कब किया और क्या किया, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे याद है। तब रॉनी कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता और मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ जेसन। तब वो आवाज कहती है हाँ सॉरी, क्योंकि मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाला। तब जेसन कहता है तुमने वो सुना, जिस पर रॉनी कहता है हाँ और तुमने भी वो सुना, लेकिन मुझे तो लगा था कि मैं ही अकेला पागल हूँ। जिस पर जेसन कहता है रॉनी लगता है अंदर कोई है, हमें जल्द से जल्द प्रोफेसर स्टेन तक पहुंचना होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के साउथर्न कोस्ट पर, जहां पर एक्वामैन और मेरा एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां पर वो बताती है उसने ही उसे मारने के लिए उन लोगों को भेजा था। तब वो कहता है क्या मैं क्या सुन रहा हूँ मेरा। तब वो कहती है हाँ यही सच है, और मैंने तुमसे झूठ बोला है जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से। तब वो अपनी पास्ट लाइफ बताते हुए कहती है मैं एक प्लेस से आई थी जेबेल, जो कि अंडरवाटर वर्ल्ड के साथ साथ एक सील वर्ल्ड भी है, और ये सब शुरू हुआ था सेंचुरीज पहले जब हमें अटलांटिस से बैन कर दिया था सेपरेट करके, और हमारे लोगों को 1000 वॉरियर्स को और कितने ही लोगों को एक जगह पर इनविजिबल फील्ड में कैद कर लिया था। हमने सेंचुरीज गवा दी उससे लड़ने के लिए, जिस जगह को तुम आज बर्मुडा ट्रायंगल कहते हो, लेकिन हम फेल हुए। तब मेरे पिता ने हमारे राजा ने मुझे ट्रेन किया मेरे जन्म से ही, ताकि मैं उनका एक अल्टीमेट वेपन बन सकूं और उनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ हेड बन सकूं अटलांटियंस के खिलाफ। और एक दिन मुझे काम सौंपा गया उसी हेड और उसी बदले के साथ किंग ऑफ अटलांटिस को मारने का, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तब मैंने सीखा और जाना कि किंग ऑफ अटलांटिस बाकियों की तरह नहीं है जैसा मुझे कहा गया था। तो मैंने अपना बेस्ट दिया वो सब कुछ छुपाने के लिए और वो सब कुछ दफनाने के लिए जो मैं अपनी पास्ट लाइफ में कर चुकी थी, और मैं पहली बार खुश थी तब तक जब तक ब्लैक मांटा ने हमारे बच्चे को नहीं मार दिया, और मैंने इसका जिम्मेदार भी तुम्हें ही माना, लेकिन इसके जिम्मेदार जितने तुम थे उतनी ही मैं भी थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे का रिवेंज तुम पर डाला। तब एक्वामैन कहता है तो ऑयल रिज पर जिन्होंने हमला किया। तब वो कहती है हाँ वो जेबेल के सोल्जर्स थे जिन्हें लीड कर रही थी मेरी रिप्लेसमेंट लीडर के तौर पर डेथ स्क्वाड की सायरन, मेरी छोटी बहन। एडल के लैब के नजदीक मार्शल मैनहंटर यहाँ वहाँ टहल रहा था और एक स्क्विरल को अपने हाथ में ले वो कह रहा था मैं यही सब देखने के लिए रिलाइव हुआ हूँ, और वो स्क्विरल उसके हाथ पर चढ़ते ही मरने के बजाय वहीं पर जिंदा खेलने लगी। तब वो कहता है मुझे लगा था कि
लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेरे रेंज में आते ही मर जाएंगे, लेकिन तुम नहीं मरी, शुक्र है। लेकिन ग्रीन मैटर के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा सबसे बड़ा डर फिर से हकीकत बन जाएगा। और वो आगे चलते हुए जा रहा था, और हमें दिखाया जाता है स्टील जोन, जहाँ पर वो जाते ही कंप्यूटर से कहता है कि डायग्नोस्टिक सिक्योरिटी और एटमोस्फेरिक चेक करो ऑल लेवल्स पर व्हाइट मार्शियन मदरशिप में। और ऐसा करने के बाद ही वो स्टेटस ग्रीन देने के बाद मार्शियन मैनहंटर वहां से चला जाता है गौतम सिटी बैटकेव में, जहाँ पर बारबरा उसकी मदद कर रही थी। जहाँ पर पहले तो वो कहता है इतनी लेट उठाने के लिए माफ करना मिस गॉर्डन, लेकिन अगर जरूरत नहीं होती तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ पर बारबरा कहती है मुझे बारबरा कहो, और इसमें कोई बात नहीं, लेट नाइट हमारे लिए फाइट टाइम होता है। और वो यहाँ पर कुछ चेक कर रही थी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, जहाँ पर मार्शियन मैनहंटर के ब्लैक लैंटर्न होने की कुछ फाइल्स भी सामने आती है। और उसी के साथ सामने आता है एक ऐसा घिनौना सच जो हम पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पर लाशे के ऊपर से उनकी स्किन गायब थी। तब मार्शियन मैनहंटर पूछता है तो इसके बारे में पुलिस क्या करती है, तब वो कहती है कि वो इसे कवर कर देते हैं होम फायर्स, कार क्रैशेस या फिर डूबने के केस में, क्योंकि इसमें अंदाजा होता है मेटा ह्यूमंस के शामिल होने का, और इसी वजह से कुछ भी हो सकता है। तब वो कहता है कि मैंने ऐसी मेथड किलिंग की पहले कभी नहीं देखी, लेकिन मैं इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता। तभी वो कहता है कि क्या तुम टाइटन टावर को कनेक्ट कर सकती हो, जहाँ पर सुपरवाइज कॉल रिसीव करते ही सबसे पहले जॉन उससे पूछता है कि मिस मार्शियन कहाँ पर है। तब वो कहता है मिस मार्शियन अपने टनामी के प्लेस पर है ऑस्ट्रेलिया में। जहाँ पर वो कहता है क्या तुम मुझे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, तब वो कहता है नहीं, वो अपनी मर्जी से वहां पर गई है। तब वो कहता है शुक्रिया सुपर बॉय, और डाटा कलेक्ट करके वो बैठ के उसे जा ही रहा था। तब वो कहती है अगली बार फिर मिलेंगे, तब वो कहता है हाँ मैं उम्मीद करता हूँ। इस पर बारबरा कहती है उम्मीद करता हूँ से क्या मतलब। तब मार्शियन मैनहंटर आगे बढ़ता है टनामी डेजर्ट की तरफ ऑस्ट्रेलिया में मिस मार्शियन से मिलने, और एक घर में एंटर करते हुए वो कहता है तुम्हें तकलीफ देने के लिए सॉरी मिस मार्शियन, लेकिन तुम पिछले कुछ घंटों से टेलीपैथिकली कनेक्टेड नहीं थी। और जैसे वो अंदर जाता है उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।